Mila Ramadur Rahim, we discuss the test number 4 and uh, part uh, chemistry. So, look at question number 81. You are given a compound in which carbon is uh, 34.6 percent, hydrogen is 3.85 percent. एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है देट विल भी एक टू हंड्रेड माइनस थर्टी फोर पॉइंट सिक्स प्लस थ्री पॉइंट एट फाइव राउंड अबाउट सिक्सटी वन परसेंट इज दमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो आप अगर एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं पहले एम्पेरिकल फार्मूला हम मालूम करते हैं और उसके बाद मालिक्यूलर फार्मूला हम फाइंड करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए पहले हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स ऑफ कापर विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन सो दिस कम्स इक्वल टू बी अबाउट 2.89 इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो इसे तीन थ्री मोल्स बन जाते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज थ्री डिवाइडेड बाई वन it comes out to be 3.85 which is approximately equal to 4 moles of oxygen is 61 divided by atomic mass of oxygen is equal to this is also about 4 3.85 etc so it comes out to be 4 now the ratio between carbon hydrogen and oxygen is 3 ratio 4 ratio 4 अब मालिकुलर फार्म ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है और मालिकुलर फार्मूला जो है दैट इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एम्पेरिकल फार्मूला तो अगर ये एन वन के बराबर हो तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा सी थ्री एच फोर और ओ फोर इफ एन इज़ इक्वल टू टू तो फिर मालिकुलर फार्मूला मालिकुलर फार्मूला विल बी एक्ल टू टू मल्टीप्लाइड बाई सी थ्री एच फोर ओ फोर तो ये हो जाएगा सी सिक्स एच एट और ओ एट तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है ये ऑप्शन जो है मौजूद है तो इस वजह से दी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट एटी वन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ये याद रखें कि मालिक्यूलर फार्मूला जो है या ये एम्पेरिकल फार्मूला के बराबर होगा या उससे डबल होगा या फिर उसका ट्रिपल होगा या फिर उसका क्वाड्रपल होगा या उसका क्विंटपल होगा यानी या उससे दो गुना ज़्यादा होगा या तीन गुना चार गुना लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला बराबर भी हो सकते हैं तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें एम्पेरिकल फार्मूला इज़ आल्सो सी थ्री एच फोर ओ फोर और माइकिकुलर फार्मूला या इसका फिर डबल होगा या ट्रिपल होगा तो डबल और ट्रिपल इसमें नहीं ऑप्शन में नहीं है इस वजह से इस कंपाउंड का एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा आपको पता है वन इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी ग्राम होता है अब अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें मिलीग्राम में भी आंसर है अगर आप इसको टेन टू द पावर थ्री में मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट 9.1 पॉइंट वन टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फाइव और मल्टीप्लाइड बाई टू पावर थ्री ये इतने मिलीग्राम बन जाता है इतने मिलीग्राम दिस इज़ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम वन मोल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे 6.02 पॉइंट जीरो टू एंटू टेन द पावर ट्वेंटी थ्री का मास जो है वो कितना होगा सो देट विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन द पावर ट्वेंटी थ्री बाई नाइन पॉइंट वन टू टेन माइनस ट्वेंटी फाइव so it comes out to be 0.55 milligram एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है आपको पता है कि वो इतने ग्राम के बराबर होते हैं इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर मिलीग्राम में आ जाएगा अब वन इलेक्ट्रॉन का मास इतना मिलीग्राम है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा तो मल्टीप्लाइड बाय वो नंबर एंड यू गेट पॉइंट मिलीग्राम एंड क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर सी इज देयर फॉर करेक्ट अगला क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शिल एंड इन द पेनल्टी मेड शिल तो सबसे आउटर शिल जो होता है दट इज कॉल्ड वैलेंस शिल और बाहर वाले से सेकंड लास्ट शिल जो होता है उसको पेनल्टीमेट शिल कहा जाता है तो अब अगर मैग्नीशियम प्लस टू को देखें इसमें पहले आर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में आठ होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन बारह होते हैं मैग्नीशियम में तो दो जब इससे निकल जाते हैं टोटल इसके साथ दस इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो लास्ट आर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट शिल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है जब माइनस टू चार्ज इस पर आएगा तो इसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दस इलेक्ट्रॉन होंगे टेन इलेक्ट्रॉन तो ओ माइनस टू को अगर आप देखें इसके पहले आर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आठ होंगे तो पेनल्टीमेट सिल में यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर नाइन है जब ये माइनस वन हो जाएगा तो इसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन नाइन प्लस वन होंगे टेन इलेक्ट्रॉन अगेन इन फ्लोराइड नेगेटिव यू हैव टू इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट आर्बिट एंड एट इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड आर्बिट लेकिन अगर आप कैल्शियम को देखें इसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है और प्लस टू करें तो इसमें देयर आर एटीन इलेक्ट्रॉन्स एन कैल्शियम प्लस टू तो कैल्शियम प्लस टू में ये एटीन इलेक्ट्रॉन कैसे हम अरेंज करेंगे टू प्लस एट एंड प्लस एट इसके वेलेंस शेल में भी आठ इलेक्ट्रॉन है और अल्टीमेट शेल में भी एट इलेक्ट्रॉन होते हैं सो इन क्वेश्चन नंबर एटी थ्री द करेक्ट ऑप्शन इज दियर फॉर डी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एटी फोर अकॉर्डिंग टू बोअर प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस तो आपने फार्मूला डिराइव किया है आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर और एच स्क्र एफ सी लांग नाट डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्र पाई एम दिस इज द रिलेशन फॉर रेडियस ये सारी चीज़ें जो है ना ये कॉन्सटेंट कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर दियर फॉर एंड क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 85 दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है दैट इज माइनस जेड स्क्वायर ई फोर जेड स्क्वायर ई फोर एम डिवाइडेड बाय एट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ सीलाट स्क्वायर ये इसके बराबर है तो पहले आर्बिट में आप देखें एन स्क्वेयर जो है ये वन वन के बराबर होगा ये दिस इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स बाकी चीज़ें अगर हम कांस्टेंट रखें और n की वैल्यू यहाँ पर हम वन की बजाय फाइव करें तो ये हो जाएगा माइनस दिस 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 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वेयर तो ये इज़ इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव तो 25 टाइम्स सेकंड आर्बिट में एनर्जी जो है फिफ्थ आर्बिट में 25 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स को डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव करें तो इससे आंसर जो आएगा वो होगा माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव फोर इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है और फिफ्थ आर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ट्वेंटी फाइव टाइम्स ज़्यादा हो जाती है सेकंड आर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोर टाइम्स ज़्यादा हो जाती है थर्ड आर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नाइन टाइम्स ज़्यादा हो जाती है और फोर्थ आर्बिट में सिक्सटीन टाइम्स और फिफ्थ आर्बिट में ट्वेंटी फाइव टाइम एनर्जी ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स जो है ये इंटरेस्टिंग है आपको पता है कि पहले आर्बिट में फर्स्ट आर्बिट में एक एस आर होता है और एक इसमें सिर्फ एक एस आर होता है सेकंड आर्बिट जो है इसमें एक एस और एक पी होता है टू एस और टू पी थर्ड आर्बिट में थ्री एस थ्री पी और थ्री डी होता है इसमें तीन सबशेल होते हैं इसमें कोई चौथा सबशेल नहीं होता यानी थ्री एफ इसमें होता नहीं है एस आरबिटॉल जो है ये वन से शुरू होता है वन एस बी होता है टू एस बी थ्री एस बी ये सारे होते हैं वन पी नहीं होता पी का नंबर टू से शुरू होता है टू पी और इसके बाद थ्री पी और फोर पी ये सारे पॉसिबल हैं लेकिन वन पी नहीं होता इसी तरह डी आरबिटाल जो है वो थर्ड आरबिट से शुरू होता है सो देयर इज़ नो वन डी देयर इज नो टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी और आनवर जितने भी डी हैं तो वो सारे पर पॉसिबल हैं इफ सब शिल जो है ना ये फर्स्ट आर्बिट में भी नहीं है सेकंड में भी नहीं है थर्ड में भी नहीं होता ये फोर्थ से शुरू होता है तो वन एफ नहीं होता टू एफ नहीं होता थ्री एफ नहीं होगा ये फोर एफ से शुरू होगा इस वजह से विच इज़ नॉट पॉसिबल तो थ्री एफ इज़ नॉट पासीबल इस, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 86 में ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है और ये एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर लेट सपोज 20 है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आठ फिर आठ और फिर टू इलेक्ट्रॉन सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगोरेशन ये टोटल ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं इसका मतलब ये है कि इसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और उसका इसका वैलेंसी जो है वो टू है इसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन गोया कि दे सकता है ये किसके साथ लाइली टू कम्बाइन एटम हुज इज तो आप देखें ये इलेक्ट्रॉन डोनर है इसके आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इन अदर वर्ड्स ये कैल्शियम है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है तो ये दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये आउटर शेल के अब एलेवन एटॉमिक नंबर सोडियम का है उसमें आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं होंगे कैल्शियम और सोडियम दे डोंट रिएक्ट विद वन इनदर अगर आप 14 की तरफ जाएं तो ये सिलिकॉन है इसके आउटर शिल में देयर आर टू एंड देयर आर फोर फोर इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन जो है ये नॉन मेटल है लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम है तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता अगर आप सल्फ़र देखें सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है टू प्लस एट और प्लस सिक्स आप देखें इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में फोर हैं तो इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप अगर सल्फर देखें इसका एटॉमिक नंबर सिक्सटीन है आउटर शेल में इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन हैं तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू इलेक्ट्रॉन्स और इस एलिमेंट में आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं और इसको दो की ज़रूरत है इस वजह से कैल्शियम और सल्फ़र ये आपस में कंबाइन होंगे कैल्शियम विल लूज टू इलेक्ट्रॉन एंड सल्फर वू इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस वजह से गलत है कि इसका एटामिक नंबर टेन है डी ऑप्शन में एटामिक नंबर टेन है और टेन जो है ये नियान का एटामिक नंबर है इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगोरेशन लिखें तो इसके आउटर शिल में आठ इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड इट्स ऑक्ट इट इज कम्प्लीट सो इट इज इनर्ट इट विल नाट रिएक्ट क्वेश्चन नंबर एटी एट आप देखें हमारे साथ तीन किस्म के स्पीशीज होते हैं एक मीथाइल केटाइन होता है एक मिथाइल फ्री रेडिकल होता है और वन इज मीथाइल एनाइन तो मीथाइल एनाइन के साथ चार इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये तीन स्पीशीज़ हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो कार्बोकेटाइन जो होता है ना इसमें इस्पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है और जो जो फ्री रेडिकल होता है इसमें भी इस्पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है वन इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा होने से देर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जबकि जब, जब इसके साथ चार इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए कार्बेनायर के साथ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है फिर एस पी थ्री हो जाती है सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट और पिछले पर्चों में इस किस्म का क्वेश्चन पहले आ भी चुका है कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन सी एच थ्री पॉजिटिव तो सी एच थ्री पॉजिटिव में एसपी टू सी एच थ्री फ्री रेडिकल में भी एस पी टू और सी एच थ्री माइनस में देयर विल बी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो ये अपने साथ नोट करें और दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन क्वेश्चन नंबर एटी नाइन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉर्मिंग है लीस्ट के एस पी वैल्यू इसका मतलब कि इनमें से कौन सा लिस्ट सालबल है तो आप देखें कि फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होते हैं और इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप और अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस और आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी और के एस पी ये आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है जिस चीज़ की सेलिबिलिटी ज़्यादा होती है उसका सेलेबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ये कहता है कि विच वन इज़ द लीस्ट सेलुबल लीस्ट के एस पी किस की है मतलब ये कि कौन सा लिस्ट सेलुबल है तो आप देखें सोडियम जो है मैग्नीशियम, सोडियम लेफ्ट साइड पर है मैग्नीशियम राइट साइड पर है कैल्शियम नीचे है और स्टोनशियम जो है वो इससे भी नीचे है इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड की सालबिलिटी देट इज ग्रेटर देन दॉलिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि सॉलिबिलिटी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ होती है इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रांगर बेस एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाउन द ग्रोपियर सॉलिबिलिटी कम होती है तो ये इट इज़ लेस सॉलुबल इट इज़ मोर सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। और ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर सॉल्युबल। तो नीचे आते हैं फिर भी सॉलीबिलिटी ज़्यादा होती है लेफ्ट साइड पर जाते हैं फिर भी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी एम दीज फोर कंपाउंड मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड इज लेस सॉल्युबल इट इज़ दिस सॉलेबल हाइड्रोक्साइड सो यू शुड रिम्बर कि ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड इनके सॉल्युबिलिटीज और इनका बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द सॉल्युबिलिटीज एज वेल एज देयर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस सो दिस इज द पॉइंट व्हिच यू शुड रिमेंबर क्वेश्चन नंबर नाइंटी वट मास सोडियम हार्ड्रोक्साइड विल बी न्यूट्रलाइज बाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई डिंग फिफ्टी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो आप देखें कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके वन मोल से इसका वन मोल बनता है आप देखें इसका वनमोल हंड्रेड ग्राम के बराबर है तो हंड्रेड ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब डीकम्पोज होगा इट विल फॉर्म वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अगर हम फिफ्टी ग्राम लेते हैं तो फिर इसे हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर आप देखें सो इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर दे रिएक्ट इन वन रेशो टू वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वन मोल कार्बन डाइक्साइड विल न्यूट्राइज टू मोल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो 80 ग्राम के बराबर है अब चूंकि हमारे साथ 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो पॉइंट फाइव मोल विल बी एबल टू न्यूट्रलाइज ओनली फोर्टी ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम हाफ मोल के बराबर होता है क्योंकि वन मोल इसका 100 ग्राम है तो हाफ मोल से यानी 50 ग्राम से इसका हाफ मोल बनेगा वन मोल से वन मोल बनता है 50 ग्राम से ये हाफ मोल बनेगा अब वन मोल टू मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है और हाफ मोल जो है देट विल न्यूट्रलाइज़ वन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वन मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ इक्वल टू फोर्टी

आ, हम आ, वेपर फेज की डेंसिटी किसी चीज़ की जब हम मालूम करते हैं गेशियस स्टेट में गैशियस एलिमेंट की वेपर डेंसिटी हम मालूम करते हैं और फिर उसको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पर डिवाइड करते हैं तो इससे जो रेशो आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी इज़ द रेशो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस तो जो मोलर मास होता है किसी सब्सटेंस का वो डबल ऑफ वेपर डेंसिटी होता है और डबल इस वजह से कि ये हाइड्रोजन में दो एटम हैं तो एक एटम के मुकाबले में वो सब्सटेंस कितना हेवी होगा तो एटम मालिक्यूल से वो जितना हेवी है एटम के मुकाबले में वो डबल हेवी होगा दिस शोज डेट हाउ मच हेवियर इज़ द सब्सटेंस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस तो डाई एटामिक गैस से वो जितना वियर है मानो इटामिक गेस से वो डबल हेवी होगा इस वजह से मोलर मास जो है दैट इज़ इक्वल टू डबल ऑफ द वेपर डेंसिटी अब अगर वेपर डेंसिटी किसी चीज़ की 45 है तो उसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 90 आ जाएगा सो इन दिस क्वेश्चन इन 91 ऑप्शन नंबर सी

अब देखो ये कहता है कि 44.8 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड तो आप मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करें वॉल्यूम इज गिवन 44.8 इसका वॉल्यूम है इसको 22.4 पर डिवाइड करें तो इससे टू मोल्स आता है इसका मतलब ये है कि दो मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए टू मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड आपको पता है कि इसके वन मोल से इसका वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है टू मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वी नीड टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारे पास आंसर आया है टू मोल कैल्शियम कार्बोनेट ना वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हंड्रेड ग्राम के बराबर होता है तो टू मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी तो टू टू हंड्रेड ग्राम तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है इसे हम मोल्स बनाते हैं तो इसे टू मोल्स आते हैं अब टू मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वी नीड टू मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वन मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम

इस तरह हम लिखते हैं एन को वन के बराबर हम लेते हैं तो वी माइनस बी इजिक्वल टू आर टी होगा इस इक्वेशन में ये ए जो है इसको कहते हैं को एफिशेंट ऑफ अट्रैक्शन तो जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होती हैं उसका को एफिशेंट ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा अब अगर आप हीलियम को देखें ये नॉन पोलर है हाइड्रोजन जो है ये भी नॉन पोलर है मीथेन भी नॉन पोलर है ऑन द अदर हैंड अगर आप अमोनिया देखें दिस इज़ पार्शल पॉजिटिव एंड नाइट्रोजन इज पार्शल नेगेटिव इट इज़ पोलर तो पोलर गैसें जो हैं पोलर गैसों के लिए ए जो है वो हाई होता है कोफिशेंट ऑफ अट्रैक्शन इनका हाई होता है मतलब ये हुआ कि पोलर गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांगर होती हैं और जिन गैसों में अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांगर होती हैं

अ गैस डिफ्यूज टू टाइम लिस रेपिडली देन अमोनिया ये हमारे पास एक गैस है अन और ये अमोनिया है तो ये लस रेपिडली डिफ्यूज़ करता है इसका मतलब ये कि इसका हाई मालिक्यूलर मास होगा अमोनिया के मुकाबले में इसका मास ज़्यादा है मोलर मास इसका ज़्यादा है इस वजह से तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम है आप देखें अगेंस्ट डिफ्यूज इज टू टाइम लेस रेपिडली कितना टाइम टू टाइम जब ये लेस रेपिडली मूव करता है अमोनिया से तो इसका मतलब है कि ये अमोनिया से मोर हैवी है ये अंडरस्टूड है कि इसका मोलर मास अमोनिया से ज्यादा होगा अब कितना ज़्यादा होगा तो आप देखें ये टू टाइम्स लेस रेपिडली डिफ्यूज़ करता है तो इसका मोलर मास जो है मोलर मास विल बी हायर कितना हायर होगा टू टाइम्स है तो इसका स्क्वायर ले लें तो ये फोर टाइम्स इससे हैवी होगा अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन टू टाइम कम है ना तो टू का स्क्वायर ले लें तो फोर टाइम इसका मोलर मास ज़्यादा होगा अगर कोई गैस फोर टाइम लेस रेपिडली मूव करता है तो इसका मोदर मास फोर रेस टू द पावर टू टाइम ज़्यादा होगा यानि सिक्सटीन टाइम ज़्यादा होगा अब अमोनिया का मोलर मास जो है वो सेवनटीन है मोलर मास ऑफ अमोनिया इज सेवनटीन और दूसरी गैस का मोलर मास जो है वो टू रेस टू द पावर टू टाइम यानि फोर टाइम ज़्यादा होगा तो इसको फोर से मल्टीप्लाई करें फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट सिक्सटी एट ग्राम पर मोल So the unknown gas, which diffuses two times less rapidly than ammonia, its molar mass will be 68. And it will be four times greater than the molar mass of ammonia. Question number 95. We have a flask. It has gas A dusra gas B. और ये वन लीटर फ्लास्क है इसमें एक गैस का पार्शल प्रेशर जो है टू हंड्रेड है और दूसरे का फोर हंड्रेड तो टोटल प्रेशर यहाँ पर सिक्स हंड्रेड है टोटल प्रेशर इज सिक्स हंड्रेड बिकॉज अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर द टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द दार्शल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस अब देखें अगर मैं इस गैस को इस फ्लास्क से एक दूसरे फ्लास्क में शिफ्ट करूं जिसका वॉल्यूम वन लीटर की बजाय फोर लीटर हो यानी वॉल्यूम फोर लीटर ज़्यादा हो जाएगा ए और बी में इधर शिफ्ट करता हूं तो फोर टाइम ज़्यादा होने से वॉल्यूम फोर टाइम ज़्यादा होने से आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम दे आर इनवर्सली रिलेटेड पी एंड वी आर इनवर्सली रिलेटेड तो जब हम वन लीटर से फोर लीटर फ्लास में इसको शिफ्ट करते हैं तो फोर टाइम इसका प्रेशर कम हो जाएगा फोर टाइम कम होने का मतलब ये है कि अगर इसका पहले प्रेशर 600 था तो अब 600 डिवाइडेड बाय फोर होगा एंड टोटल प्रेशर ओवर हेयर विल बी 150। तो एक्सपेंशन पर जो है वो प्रेशर कम हो जाता है अगर फोर टाइम एक्सपेंशन हुई है तो प्रेशर फोर टाइम कम हो जाएगा अगर अगर आपसे ये पूछे कि अगर हम इसका वॉल्यूम वन लीटर से फोर लीटर वॉल्यूम में इसको हम शिफ्ट करते हैं तो फिर ए का पार्शियल प्रेशर इधर कितना होगा तो ये टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर इसका पार्शियल प्रेशर अब यहाँ पर 200 को 4 पर डिवाइड करें तो ये 50 हो जाएगा और 400 को 4 पर डिवाइड करें तो यहाँ पर बी का जो पार्सल प्रेशर होगा देट विल बी 100 और टोटल प्रेशर जो है वो 150 के बराबर होगा तो आप इन सारी चीज़ों को आपने मद् रखना होगा कि वो आपसे किस किस्म का क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल प्रेशर का पूछ रहा है या फिर इंडिविजुअल गैसेस पार्शल प्रेशर के बारे में आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 96। सिक्स मिक्सचर ऑफ टू मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देखें टू मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हीट निकलेगा नाउ आप देखें इफ़ डेल्टा एच इज़ द इंताल्पी चेंज एंड डेल्टा ई इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पर रिएक्टेंड के मोल्स थ्री हैं और प्राडक्ट के मोल जो हैं वो टू हैं लेट सपोज मैं कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ये स्टडी कर रहा हूँ तो ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस विल डिक्रीज इसके नतीजे में क्या होगा कि ये पिस्टन जो है ये नीचे आ जाएगा यहां पर देयर विल बी कंट्रिक्शन जब कंट्रिक्शन होगी तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो सम ऑफ द वर्क विल कन्वर्ट इन टू हीट एनर्जी तो कुछ वर्क जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कब कन्वर्ट हो जाता है

जब कंट्रिक्शन होगा सो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, जब यू वर्क ऑन द सिस्टम, सो वर्क गोज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इससे हीट निकल जाती है तो कुछ हीट इस रिएक्शन की है और कुछ हीट जो है वो वर्क डन की वजह से इसमें आ जाती है इस वजह से क्यू पी जो है हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर देट विल बी ग्रेटर देन द हीट गिवन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इसके बरकस अगर किसी रिएक्शन के दौरान एक्सपेंशन हो जाए एक्सपेंशन के दौरान जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज़्यादा हो, तो फिर क्यू पी विल बी लेस देन क्यू वी और अगर किसी रिएक्शन में न एक्सपेंशन हो न कंट्रेक्शन हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हो, तो उस वक्त क्यू पी और क्यू वी देट इज़ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट विल बी सेम बट इन दिस पर्टिकुलर केस हीट गि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर विल बी ग्रेटर देट देन हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और आपको पता है कि क्यू पी जो है न वो डेल्टा एच के बराबर होता है आपने ये इक्वेशन डिराव किया है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी और आपको ये भी पता है कि क्यू वी इज इक्ल टू डेल्टा ई तो यहाँ पर क्यू वी की बजाय मैं डेल्टा ई लिखता हूँ और क्यू पी की बजाय मैं डेल्टा एच लिखता हूँ तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा वी फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इन क्वेश्चन नंबर 96 सिक्स दियर फोर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट मैंने आपको तीन बातें बताई कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर एक्सपेंशन हो जाए यानि प्रोडक्ट के मोल अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा क्यू पी विल बी लेस देन क्यू वी इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा ई ये याद रखें अगर कंट्रिक्शन हो जाए यानी प्रोडक्ट के मोल्स कम हो, तो फिर उल्टा होगा फिर क्यू पी विल बी ग्रेटर देन क्यू वी इन अदर ओवर डेल्टा एच विल भी ग्रेटर दैन डेल्टा ई और अगर किसी रिएक्शन के दौरान वॉलीम कॉन्सटेंट हो इफ द वॉली इज कॉन्सटेंट तो क्यू पी और क्यू वी ऐसे रिएक्शन के लिए सेम सेम होगा एंड डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई फॉर सच प्रोसेस और आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स में और इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड सो डेल्टा वी इज नेग्लेजिबल स्मॉल जब नेग्लेजिबल स्मॉल होगा तो वर्क डन इज ऑल्सो नेग्लेजिबल जब वर्क डनग्लेजिबल होगा तो क्यू पी विल भीक्वल टू क्यू वी एंड डेल्टा एच विल भीक्वल टू डेल्टा ई सो फार सॉलिड्स एंड लिक्विड्स वेन ड्यूरिंग अ रिएक्शन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनवॉल्ड दे आर आर नेग्लेजिबल चेंज इन वॉल्यूम दर्क डन इज नेग्लेजिबल एंड क्यू पी एंड क्यू वी फॉर सच रिएक्शन विल बी सेम क्वेश्चन नंबर नाइंटी सेवन विच रिलेशन इज करेक्ट इसमें डेल्टा एच जो है इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर ये असल में इंतलपी चेंज है ये इंटरनल एनर्जी चेंज है और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जब आप कोई रिएक्शन स्टडी करते हैं तो P जो है वो कांस्टेंट होगा वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर चेंज नहीं होगा इस वजह से डेल्टा P आप नहीं लिख सकते हैं बिकॉज P इज़ कांस्टेंट, H इज़ इक्वल टू E प्लस पी वी एंड डेल्टा H विल इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV वी गलत है और V डेल्टा P ये भी गलत होगा इट विल बी इक्वल टू डेल्टा इच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी एज कॉन्स्टेंट इसके साथ आप डेल्टा नहीं लिख सकते हैं आप वी के साथ डेल्टा लिख सकते हैं बिकॉज दियर आर चेंजेस इन द वॉल क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करक्ट तो आप वन वन स्टेटमेंट को देखते जाए आयोनाइजेशन इज एग्जोथर्मिक प्रोसेस ये गलत है बिकॉज वेन यू रिमूव एन एलेक्ट्रॉन फ्राम ए सब्सटेंस इट रिक्वायर्स एनर्जी तो ये तो गलत हो गया बी ऑप्शन देखें हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ गेशियस वाटर इज ग्रेटर दैन लिक्विड वाटर ये ज़रा न्यूट्राइजेशन इज इन थर्मिक प्रोसेस ये भी गलत है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमेशा एकजोतर में होता है इसमें हीट इवॉल्व होती है नाउ ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर इंटरेस्टिंग इसको आप ज़रा समझें आप देखिए ये हमारे पास H2 टू और ओ टू है ये आपस में रिएक्शन करते हैं जब रिएक्शन करते हैं तो इसे शुरू में गैशियस वाटर बन जाएगा यानी स्टीम बनेगा और आपको पता है कि स्टीम की एनर्जी ज्यादा होती है अगर आप इस स्टीम से फिर लिक्विड वाटर बनाएं आई कन्वर्ट एट इन टू लिक्विड वाटर तो स्टीम से मजीद हीट फिर निकलेगी दीज आर द रिएक्टेंट्स द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्टेंट्स आर इन मोर एनर्जी स्टेट देन द प्रोडक्ट्स अब आपके पास एक गेशियस वाटर है एक लिक्विड वाटर आपको पता है कि गेशियस वाटर कंटेन्स मोर हीट एनर्जी। एंड लिक्विड वाटर हैज़ लेस हीट एनर्जी इस वजह से अगर आप इन रिएक्टेंट को गेशियस वाटर में कन्वर्ट करते हैं सो दिस मच एनर्जी विल बी रिलीज और अगर आप फिर गेशियस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो गैस के अंदर जो इजाफी हीट होती है वो भी इससे निकल जाती है सो दिस मच हीट विल बी इवाल्ड गेशियस वाटर बनने के लिए थोड़ी हीट खारिज होगी इस प्रोसेस में लेकिन जब लिक्विड इससे बनेगा तो मज़ीद हीट इससे निकल जाएगी एंड मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर बिकॉज लिक्विड वाटर हैज़ लोअर हीट कॉन्टेंट देन द गेशियस वाटर इस वजह से हीट कंटेंट गेशियस वाटर में ज़्यादा है लेकिन हीट ऑफ फार्मेशन जो है वो लिक्विड वाटर का ज़्यादा होगा यानी लिक्विड वाटर के बनने के दौरान ज़्यादा हीट निकलती है हीट ऑफ फार्मेशन ऑफ गेशियस वाटर इज लेस देन लिक्विड वाटर ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट है आप याद रखें अगर आपसे कोई पूछे कि हीट कॉन्टेंट किस वाटर का ज़्यादा है सॉलिड का कि लिक्विड का कि गैस का तो गैस में हीट कंटेंट सबसे ज़्यादा है फिर लिक्विड में फिर सॉलिड में लेकिन अगर आपसे पूछे कि गैशियस वाटर के हीट ऑफ फार्मेशन ज़्यादा है या लिक्विड का तो लिक्विड का हीट ऑफ फार्मेशन ज़्यादा होगा और सॉलिड वाटर का हीट ऑफ फार्मेसन और भी ज़्यादा होगा क्योंकि लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो मज़ीद हीट इस प्रोसेस में खारिज हो जाती है क्वेश्चन नंबर 99 नाइन आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का सल्यूशन है यहाँ पर हमने प्लैटिनम का केतोड यहाँ पर बैटरी के साथ जोड़ा है और हेयर वी हैव अ सिल्वर एनोड सिल्वर एनोड है एंड प्लैटिनियम जो है प्लैटिनम जो है ये केतड है और इसको हमने सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है तो इसमें यहाँ असल में ये होगा कि सिल्वर आयन जो है वो आकर प्लैटिनम के तोड पर जाकर इसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सिल्वर जो है ये रिड्यूस होगा एंड इट विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम अब बाहिर ये लगता है कि सिल्वर आयन जाकर रिड्यूस हो रहे हैं तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन यक वक़्त जितने सिल्वर आयन यहाँ पर जाकर रिड्यूस होते हैं तो उतने सिल्वर के एटम यहाँ पर जाकर आयनाइज होते हैं तो ये प्लेट जो है एनोड ये आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होना शुरू होगा एनोड विल डिज़ोल्व

अबाउट दी एलैक्ट्रिस आपसे अगर कोई पूछे कि सिल्वर सोडियम नाइट्रेट का अगर आप इक्वियस सोल्यूशन लें तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास केतोड है और ये इनोड है तो इनोड पर क्या जमा होगा और केतोड पर क्या डिपॉजिट होगा सो द आंसर इज नॉट वेरी सिंपल रिमम्बर वेन यू मेक अ सोलूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इन वाटर यू कंटेन यू यू विल हैव सोडियम आयन यू विल हैव ऑल्सो हाइड्रोजन आन अगर आपके साथ नाइट्रेट आयन यहाँ पर हैं तो आपके साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी इस सोलूशन में मौजूद होते हैं और चूँकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सोडियम से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं लेकिन सोडियम आयन वो रिड्यूस नहीं होगा बिकॉज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर सो एट के थोड सोडियम विल नॉट बी प्रोड्यूस यू विल सी हाइड्रोजन गैस बबलिंग आउट ऑफ द सल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट इसी तरह नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड ये दोनों एनोड पर जाएंगे और हाइड्रोक्साइड आयन जो है इट विल कन्वर्ट इन टू वाटर एंड इट विल कन्वर्ट इन टू ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज हायर इट इज हायर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रेट तो नाइट्रेट पर कोई असर नहीं होगा और हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा निट रिजल्ट ये होगा कि सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन में पड़ा रहता है और वाटर की इलेक्ट्रॉलिस होती है सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस वेल द इलेक्ट्रॉलिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसी तरह अगर आप कापर सल्फ़ेट का सल्यूशन लें इसमें कापर और सल्फेट आयन होते हैं लेकिन साथ साथ यू हैव हाइड्रोजन आइन एंड ऑल्सो हाइड्रोक्साइड आय ये आपका केतोड है and this one is Remember, आप अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो कापर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होता है इस वजह से केतोड के ऊपर के कापर जो है वो डिपॉजिट होगा एंड इन दिस केस हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड सो एट केतोट यू गेट कॉपर एंड एट हाइड्रोजन और सल्फेट और हाइड्रो आयन दोनों एनोट की तरफ जाते हैं लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रो का ज़्यादा होता है सल्फेट से तो हाइड्रो आयन विल ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन तो एनोट पर आपके साथ ऑक्सीजन और केतोड के ऊपर यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट होगा सो वाइल द इलेक्ट्रॉनिशिज ऑफ कॉपर सल्फेट यू गेट कॉपर एंड यू विल गेट ऑक्सीजन नो सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ओअर हेयर सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर यहाँ पर नहीं बनेगा सो यू मस्ट है नॉलेज ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल। आप अगर सोडियम क्लोराइड ले लें पानी में इसका सल्यूशन बनाएं यू विल हैव सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज सपोज के एंड दिस इज एन ओड हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं दिस इज अ बैटरी मैं इसके साथ जोड़ता हूँ अब इमांग सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन विच आयन विल रिड्यूस सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर कम है रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो हाइड्रोजन विल कन्वर्ट ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड और इनोड के ऊपर अगर आप जाएं तो ऑक्सीडेशन uh, पोटेंशियल जो है वो क्लोराइड का ज़्यादा है हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में तो यहाँ पर क्लोरीन गैस बनेगी एंड ऑक्सीजन गैस विल नॉट बी सो आर द थिंग्स विच यू कैन बी आस्ट इन द दिलेक्ट्रॉलिस क्वेश्चन नंबर 100 हीट ऑफ नाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज़ कॉन्स्टेंट वेल्यू चाहे कोई भी स्ट्रांग एसिड हो और चाहे कोई भी स्ट्रांगर बेस हो इनका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा <coughs> सेम होगा <coughs> आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एच ले लें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और एच टू एस ले लें देखो ये भी स्ट्रांग एसिड है ये भी स्ट्रांग एसिड है दिस इज अस्ट्रांगर बेस दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रांगर बेस तो इन दोनों का जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन होगा वो सेम होगा देट विल नाट बी डिफरेंट उसकी वजह ये है कि हर स्ट्रांग एसिड से हाइड्रोजन निकलते हैं और हर स्ट्रांग बेस से हाइड्रोक्साइड तो निट रिएक्शन जो है वो दोनों में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में होता है वेदर यू टेक वन एसिड और यू टेक अदर एसिड वेदर यू टेक वन स्ट्रांग बेस और अनदर स्ट्रांग बेस The combination is always between hydrogen and hydroxide ion. So that's why a stronger acid and a stronger base have same heat of neutralization. Escape or occurs delta H neutralization, which is strong acid, our base is that is higher than delta H neutralization. ऑफ वीक एसिड्स एंड तो वीक एसिड और वीक बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम क्यों होता है उसकी वजह यह है कि वीक एसिड जो है वो आसानी से आयनाइज नहीं होता बल्कि इसके आयनाइजेशन के लिए कुछ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है सो सम ऑफ द हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आयोनाइेशन प्रोसेस स्ट्रांग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के आयोनाइेशन के लिए हीट तकरीब नेग्लिजल हीट इज रिक्वायर्ड बट फॉर द न्यूट्र फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड आर अ वीक बेस मोर हीट इज एब्जॉर्ब तो नेट रिजल्ट यह होगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉग बेस का ज़्यादा होगा और वीक एसिड और वीक बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम इस वजह से होगा कि उनके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बनने से पहले उनकी आयनाइजेशन में कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कैन नॉट डील विद दीज प्रॉब्लम्स क्वांटिटेटिवली Otherwise, when we have time, so we can discuss it in detail numerically by putting uh, certain values. Uh, question number 101. Question number 101. Which of the following reaction is a R-oxidation reaction? Remember, it is D-Jawab-TK. नन ऑफ देम इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पहला रिएक्शन जो है ये इसीटाइलिन और वाटर का रिएक्शन है इससे आपको पता है ना कि इसीटल डिहाइट इससे बन जाता है और इस प्रोसेस में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये माइनस वन माइनस वन है हाइड्रोजन का प्लस वन प्लस वन है यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ सी टू एच फोर एंड ओ तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होगा और हाइड्रोजन का प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो ये प्लस फोर है तो प्लस फोर और माइनस टू से प्लस टू आता है इस वजह से दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होगा और एक कार्बन का कितना होगा तो इसको टू पर डिवाइड करें एंड यू गेट अगेन माइनस वन सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज नॉट चेंजड इन दिस प्रोसेस एंड डेट्स वाई दिस इज नॉट अक्स रिएक्शन दिस इज एक्चुअली हाइड्रेशन रिएक्शन दिस रिएक्शन इज ने एज हाइड्रेशन ऑफ इसटाइलिन तो हाइड्रेशन ऑफ इसिटाइलिन से हमारे पास इसीटल डिहाइट बनता है इसमें पहले स्टेप में हमारे पास वीनाइल अल्कोहल बनता है बट देट वाइज एंड इट विलइड इस प्रोसेस को टाइजेशन कहते हैं टाटोमराइजेशन में दो आइस उमर जो हैं दे आर इन द इक्वीडिब्रियम विद वन एन अदर द टू टाटोमर्स डिफर इन द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है द टू टाटोमर डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से जाकर इस कार्बन के साथ अटैच हो गया है और ये ऊपर वाला एरो मैंने लॉन्गर बनाया है नीचे वाला शार्टर इसका मतलब है कि दिस फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन दिस फॉर्म इस फॉर्म को इनोल कहते हैं इन का मतलब होता है डबल वन ओल का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप और इसको कीटो फॉर्म कहते हैं अगरचे अल्डीहाइड है तो अल्डिहाइड या कीटोन का जो फॉर्म होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं इस प्रोसेस में फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल है तो इसीटल डिहाइड इससे बनेगा और इसीटल डिहाइड अगर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट और एच ट्यू सोफोर के साथ ट्रीट करें तो ये उसको ऑक्सीजन देगा एंड इट विल कन्वर्ट इन टू एसिड तो एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पर बनाने के लिए हम इसीटेलिन यूज़ करते हैं इसकी पहले हम हाइड्रेशन करके इसीटेलिहाइड बनाते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है सी आर ओ फोर माइनस टू तो आप अगर यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें तो ये प्लस सिक्स आता है और सी आर टू ओ सेवन माइनस टू में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स होता है सो कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इंटू डाइक्रोमेट या डाइक्रोमेट इंटू क्रोमेट इज नॉट अ रिडक्स रिएक्शन और ये भी आपको पता है कि क्रोमेट इज येलो एंड इस वन इज अ ऑरेंज आप अगर क्रोमेट में एसिड डालते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू डाई क्रोमेट अगर आप इसमें बेस डालते हैं तो बेस क्या करेगा वो हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएगा हाइड्रोजन आयन की मकदार जब कम होगी तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा एंड डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट इन टू क्रोमेट सो द ऑरेंज कलर विल चेंज इनटू येलो कलर सो दिस इक्विलिब्रियम बिटवीन द क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट कैन बी इजिली ऑब्जर्व ड्यू टू कलर पुट एसिड मोर डाइक्रोमेट इज फॉर्म इफ यू Uh, put base to the mixture, more chromate is formed, and you get yellow color in case of the basic solutions. So, in these processes, you see that there is no change in the oxidation state, and thus these are not the redox reaction. NH3 ko the oxidation state of nitrogen minus 3 hota. Hai. NH4 plus 1 may be. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये माइनस थ्री होता है तो देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट सो नन ऑफ देम इज़ एक्चुअली रिड रिएक्शन अक्सर स्टूडेंट ने ए ऑप्शन करेक्ट किया होगा क्योंकि यहाँ पर उनको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ मिला है लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है <coughs> uh, पिछले पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादा आया है कि जब नाइट्रिक एसिड से अमोनियम आयन बनता है नाइट्रिक एसिड से अमोनियम आयन जब बनता है तो इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसके बराबर होता है सो दिस इज समट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखें नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस फाइव होता है और अमोनियम में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस थ्री आप जरा देखें अच्छा ये जीरो है ये प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लस फाइव और ये देखो ज़ीरो से माइनस वन में हम जाते हैं माइनस टू में माइनस थ्री में तो ये कितना चेंज है देखो फ्रॉम फाइव टू फोर दिस इज चेंज ऑफ वन फोर टू थ्री टू चेंज थ्री चेंज चेंज ऑफ फोर चेंज ऑफ फाइव चेंज ऑफ सिक्स चेंज ऑफ सेवन चेंज ऑफ एट सो देयर इज अ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज चेंज बाई वर्चू ऑफ एट इसमें आठ की कमी आ जाती है नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में इन अदर वर्ड्स वन you move nitrogen from plus 5 to minus 3 state so it gains 8 electron so it represents again of 8 electron that is nitrogen will gain 8 electron when it moves from nitrate to ammonia or from nitrate into ammonium ion question number 102 <coughs> <zero> <coughs> थर्मल डीकम्पोजिशन होती है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की तो आप इस कोफिशंट के पीछे ना जाएं कोफिशंट से आप आ, को गलती हो जाती है अर्डर ऑफ रिएक्शन जो है या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन टू ओ फाइव ये हमने एक्सपेरिमेंटली मालूम करना है अर्डर ऑफ रिएक्शन कि यहाँ पर पावर क्या है तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन वेरीफाइड दैट द पावर इज़ वन इंस्टेड ऑफ टू क्यों क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन को इसकी कंसंट्रेशन को जब हम डबल करते हैं तो रेट फोर टाइम ज्यादा नहीं होता बल्कि रेट डबल हो जाता है तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल होने से रिएक्शन uh, का स्पीड डबल होगा सो देट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड देट विल नाट बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आर इन अदर वर्ल्ड रेट will be equal to constant into n2o5 raised to the power 1 question number 103 a reaction a goes into b it is found that the rate of reaction doubles when the concentration is increased four times. aap concentration double rate b double then the first order कंसन्ट्रेशन डबल हो और रेट फोर टाइम ज़्यादा हो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा कंसनट्रेशन डबल हो और रेट एट टाइम ज़्यादा हो तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा अब उल्टा करें अगर कन्सनट्रेसन को हम फोर टाइम ज़्यादा करें और रेट सिर्फ डबल हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो फोर द यूनिट ऑफ रेट कॉन्सेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र किया हुआ है आपसे सेकेंड ऑर्डर के रेट कॉन्सेंट का यूनट पूछा जा सकता है आपसे थर्ड का पूछा जा सकता है ज़ीरो का पूछा जा सकता है आप तरीका सीखें देखो के इज़ इक्ल टू रेट ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है डिवाइडेड बाय एन टू फाइव टू वन अब रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर तो ये कट जाएगा तो आपके साथ पर सेकंड रह जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो पर सेकंड होता है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड होता है यानी रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट जब सेम होता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वट एवर इज द यूनिट ऑफ द रेट द सेम इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। और अगर आपके साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो लेट सपोज द रिएक्टेंट इज ए दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो so, फिर इसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर इन टू मोल पर लीटर ये कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड लीटर पर मोल पर सेकंड दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा लीटर स्क्र पर मोल स्क्र पर सेकंड स्क्र सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू

टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो फिर देयर विल बी द रेट विल इंक्रीज फोर टाइम अगर आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं टेम्परेचर तो फिर रेट विल इंक्रीज एट टाइम तो हर 10 डिग्री केलवन के लिए द रेट

और ग्लास जो है ये एमआरफ सॉलिड है तो ये आइसोट्रोपिक होता है सोडियम क्लोराइड जो है इसका क्यूबिक शेप होता है तो क्यूबिक क्रिस्टल जो होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं यानी सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जिनका क्रिस्टल शेप क्यूबिक होगा तो वो आइसोट्रोपिक होगा और एन आइजोट्रोपी शो नहीं करेगा तो इसमें सोडियम क्लोराइड और ग्लास दोनों देर डू नाट शो एन आइजोट्रोपी इसमें एक्चुअली ऑप्शन ए और सी इज़ करेक्ट ऑप्शन ए भी नहीं ऑप्शन ए एंड सी इज़ करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन में गलती हो गई है अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉलिड इज लिक्विड स्टेट तो ये सिर्फ जो मिठेलिक सॉलिड होते हैं मिठेलिक सॉलिड तो वो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में बिजली कंडक्ट कर सकते हैं अनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते हैं लिक्विड में कंडक्शन कर सकते हैं तो 107 में बी ऑप्शन करेक्ट है मरकरी मरकरी लिक्विड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है और सॉलिड स्टेट में भी गुड कंडक्टर है वन इन एंड द प्रेजेंस ऑफ यूरिया द शेप ऑफ द यूनिटल ऑफ सोडियम क्लोराइड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आपने बुक में पढ़ा है कि क्रिस्टल uh, का हैबिट चेंज हो जाता है और सोडियम क्लोराइड जो है यूरिया uh, की मौजूदगी में इट विल फॉर्म ऑक्टाहीड्रल क्रिस्टल ये आपने पढ़ा है तो ठीक है एक्सटर्नल शेप जो है वो चेंज हो जाएगा क्यूबिक से ऑक्टाहीड्रल में बट यू शुड रिमेंबर

नहीं हो जाता फ़र्क सिर्फ़ इतनी होती है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल अगर पहले इस तरीके से अरेंज हो रहे थे तो अब सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल होते हैं तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे आप देखें ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है यू ये, ये भी ये भी सारे क्यूबिक हैं इफ़ यू अरेंज इन दिस वे यू गेट वन टाइप ऑफ एक्सटर्नल शेप अगर आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं यू गेट ऑक्टो हिड्रल क्रिस्टल्स बट द यूनिट सेल रिमैन चेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन इन प्रेशर कुकर वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर असल में कुकर के अंदर ये बंद होता है तो यहाँ पर लिक्विड के ऊपर वेपर जमा हो जाते हैं और ये वेपर्स निकल नहीं सकते हैं तो वेपर्स होने की वजह से लिक्विड के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर जो है दैट इज हायर देन द नॉर्मल प्रेशर वन एटमॉस्फेयर से वाटर के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा क्यों ज्यादा होगा बिकॉज मैन वेपर्स कलेक्ट ओवर द लिक्विड ओवर द वाटर एन साइड द कंटेनर दिज वेपर्स कैन नॉट एस्केप ड्यू टू द एक्सेसिव नंबर ऑफ वेपर्स द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन वाटर इंक्रीजेज तो जब 1 एटमॉस्फेयर से प्रशर ज्यादा होगा तो इसका बॉयलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कुकर के अंदर चीज़ें ज्यादा जल्दी गिल जाती हैं और पक जाती हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर वन एलेवन वन टेन वन टेन आपको पता होना चाहिए कि आइस जो है इट अकुपाइज लार्जर वॉल्यूम और द सेम अमाउंट ऑफ वाटर अकुपाइज स्मॉलर वॉल्यूम सो व्हेन यू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम और यह भी आपको पता है शेडलियर प्रिंसिपल जो है दैट अप्लाइज टू केमिकल प्रोसेसेस एज वेल एज फिजिकल प्रोसेसेस तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर ज्यादा होने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ वॉल्यूम कम होता हो तो चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड मोर आइस विल मेल्ट एंड टू वाटर अंडर हाई प्रेशर अगर आप आइस के एक पीस के ऊपर दूसरा पीस रखें तो टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होगा बट ड्यू टू हाई प्रेशर इट विल स्टार्ट मेल्टिंग आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में जब आप सड़क के ऊपर जाते हैं और सड़क के ऊपर आइस हो या सड़क के ऊपर पानी हो आप उसके ऊपर जब पाँव रखते हैं तो आप पिसल जाते हैं उसकी वजह ये होती है कि आपके पाँव के नीचे जो आइस आ जाता है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ने की वजह से देट मिल्ट जब वो मिल्ट होते हैं तो वो मूव करता है और इस मूवमेंट की वजह से आप पिसल जाते हैं और ये भी आप याद रखें कि जब सर्दी के मौसम में सड़कों के ऊपर जब बर्फ़ होता है तो इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हम इसके ऊपर सोडियम क्लोराइड डालते हैं सोडियम क्लोराइड डालने से फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कम हो जाता है मतलब यह है कि बर्फ़ पिघल जाता है वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिल्टिंग पॉइंट मिल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट एक चीज़ है तो फ्रीजिंग पॉइंट और मिल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर देट डिक्रीज इज विद इंक्रीज एंड प्रेशर। तो देखें आपने अभी तक तो ये पढ़ा था ना कि वट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वन वी इंक्रीज द प्रेशर लेकिन ये आपने नहीं पढ़ा था कि वट द मिल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो पानी का कम हो जाता है अंडर हाई प्रेशर इसका मतलब ये है कि अंडर हाई प्रेशर यू कैन नॉट ईजीली फ्रीज द वाटर अंडर हाई प्रेशर आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड आइस में आसानी से कन्वर्ट नहीं होता लिहाजा अंडर हाई प्रेशर अगर आप वाटर को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो वो ज़ीरो डिग्री पर फ्रीज़ नहीं होगा वो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वगैरह पर पर फ्रीज होगा तो मिल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है पानी का दीज़ आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन एलेवन देखें अगर आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में हंड्रेड टाइम चेंज लाते हैं तो चूंकि पी एच जो है वो लाग ऑफ एच के बराबर होता है और लाग ऑफ हंड्रेड जो है ये टू के बराबर होता है तो देयर विल बी अ चेंज ऑफ टू इन दी एच लेट सपोज मेरे पास ए सोल्यूशन है और बी सॉल्यूशन है यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की तादाद हंड्रड टाइम ग्रेटर है बी के मुकाबले में ए की कंसंट्रेशन ए में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी टाइम ज़्यादा है हंड्रेड टाइम ज़्यादा है अब देखें अगर बी का पीएच जो है वो सिक्स होगा तो इसका पीएच कम होगा कितना कम होगा ओनली टू हंड्रेड टाइम कम नहीं होगा इसमें दो की कमी आ जाएगी पी विल बी फोर तो हाइड्रोजन आयन अगर टेन टाइम्स कम हो पी एच टेन टाइम अगर ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ में तो उसका पी एच वन कम हो जाता है अगर हाइड्रोजन आयन हंड्रेड टाइम ज्यादा हो तो पी एच में दो की कमी आ जाती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन ट्वेल्व टेन मोलर एच सी एल का पीएच कितना होगा सो दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आपको पता है कि पी एच इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सो माइनस लॉग ऑफ टेन सो इसका आंसर जो है ये माइनस वन आता है बट दिस इज थिटिकल आंसर और ये गलत है आप याद रखें कि इक्वी सल्यूशन जो है उसका मिनिमम पी एच ज़ीरो हो सकता है ज़ीरो से कम नहीं होगा और मैक्सिमम पी एच ओ फोरटीन होगा तो ज़ीरो और फोरटीन के बीच में पी एच होगा दिस इज़ कार्ड पी एच रेंज ऑफ वाटर पानी के सल्यूशन में पी एच जो है वो ज़ीरो से कम नहीं हो सकता तो टेन मोलर सलूशन का पी एच माइनस वन नहीं होगा थियोरेटिकली माइनस वन होगा प्रैक्टिकली ये ज़ीरो होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है वन थर्टीन असल में के एम -E एन ओफोर जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सल्फ़ेट को आप फर्दर ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सल्फ़ेट में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी प्लस सिक्स होता है प्लस सिक्स से सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप ज़्यादा नहीं कर सकते नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्लस फाइव है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप प्लस फाइव से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके आउटर शेल में फ़ाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी चेड में कार्बन का ऑक्सीडेशन चेड जो है वो प्लस फोर होता है तो इसको आप मजीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं अलबत् सल्फाइड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है अगर आप सल्फाइड के साथ के एम फोर डालते हैं तो सल्फाइड कन्वर्ट्स इन टू सल्फर इट विल ऑक्सीडाइज इन टू सल्फर इट कैन ऑक्सीडाइज एन टू सल्फर डाइऑक्साइड इट कैन ऑक्सीडाइज इंटू सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फाइड में चूंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है और इसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है सो यू कैन कन्वर्ट इट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टीन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिल्टिंग पॉइंट ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप देखें मिल्टिंग uh, पॉइंट uh, अगर आप देखें तो सोडियम का मिल्टिंग पॉइंट कम होता है क्यों कम होता है क्योंकि इसके आउटर शिल में वन इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम सोडियम आपस में एक एक बॉन्ड बना सकते हैं अगर आप मैग्नीशियम देखें तो ये आपस में दो दो बॉन्ड बना सकते हैं इसके आउटर शिल में दो इलेक्ट्रॉन हैं एलमिनियम के आउटर शिल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं एंड इट मेक्स थ्री थ्री बॉन्ड्स इस वजह से इसका मिल्टिंग पॉइंट आप देख रहे हैं ये मसलसल ज़्यादा हो रहा है सिलिकॉन जो है इसके आउटर शिल में चार इलेक्ट्रॉन हैं तो सिलिकॉन विल मेक फोर बॉन्ड इस वजह से इसका सिलिकॉन का जो मिल्टिंग पॉइंट होगा वो इसे भी ज़्यादा होगा सिलिकॉन से जब हम आगे जाते हैं तो फास्फोरस है क्योंकि फास्फोरस जो है ये कोवेलेंट सॉलिड नहीं है ये मालिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है एंड इट कंटेन् वांडरवाल फोर्सेस। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिटेलिक फोर्सेस मिटेलिक मिठेलिक यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं दीज आर वेरी स्ट्रांग जबकि यहाँ पर फास्फोरस के मालिक्यूलों के बीच में देयर आर लंडन फोर्सेस तो इसका मिल्टिंग पॉइंट कम होगा अच्छा सल्फ़र का मिल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि सल्फ़र का मालिक्यूल आठ एटमों से बना होता है जबकि फास्फोरस का मालिक्यूल फोर एटम से बना होता है तो इसके मालिकुलर साइज बड़ा है और आपको पता है कि लंडन फोरसेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मालिक्यूलर साइज आप अगर क्लोरीन देखें तो क्लोरीन के मालिक्यूल का साइज़ इन दोनों से कम है ये डाई इटामिक है तो इसका मिल्टिंग पॉइंट फिर कम हो जाएगा आर्गान मानो इटामिक है तो इसका मिल्टिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगा सो दीज आर रिलेटेड टू द साइज द सेम ऑर्डर इज शोन बाई दियर मिल्टिंग पॉइंट्स तो क्वेश्चन नंबर जो वन फोरटीन है इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन फिर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम फिर सल्फ़र और फिर फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट 114 में सी ऑप्शन करेक्ट आपके बुक में शायद गलत डायग्राम बनाया है वहाँ पर एल्यूमिनियम का मिल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन से ज़्यादा शो किया है लेकिन अगर आप इसको सर्च करें तो सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट वो एल्युमिनियम से काफ़ी हाई होता है यही ऑर्डर जो है ये बुआइलिंग पॉइंट में भी फॉलो होगा द सेम ऑर्डर इज फॉलोड इन दियर बॉइलिंग पॉइंट 115. द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड डाउन द ग्रुप जो है बेसिसिटी बढ़ती है तो सबसे लीस्ट बेसिक ऑक्साइड बेरीम हाइड्रोक्साइड होगा बेरीम हाइड्रोक्साइड जो है ये असल में एम फोटेग होता है इट शोज M4 शो करता है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट फॉलोज तो 116 में डी ऑप्शन करेक्ट है वाई कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमीनियम इज़ हायर बिकॉज इट हैज़ टू फ्री इलेक्ट्रॉन एन एच एटम मैग्नीशियम हैज़ ओनली टू फ्री इलेक्ट्रॉन सोडियम हैज़ ओनली वन फ्री इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन में अगरचे बाहिर इसके अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर इन्गेजड इन कोवेल एंड बॉन्डिंग सो दियर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेल एंड सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्शन होता है वन सेवनटीन ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है सी ए सी एल टू जब आप इसमें एच सी एल डालते हैं इट कन्वर्ट्स इन टू एच ओ सी एल और एच ओ सी एल कन्वर्ट्स इंटू एच सी एल एंड एटामिकन तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू ऑक्सीजन नट ड्यू टू ड्यू टू हाइड्रोजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू ऑक्सीजन और ब्लीचिंग पाउडर इसको हम डबल साल्ट कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें एक क्लोराइड आयन होता है एक हाइपो क्लोराइड आयन होता है ये असल में दो एसिड का साल्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम एच हाइड्रोक्लोरिक और हाइपोक्लोरस एसिड जब मिलाते हैं तो इट कन्वर्ट्स एच एंड ओ एच मेक वाटर अगेन एच एंड ओ एच मेक वाटर टू वाटर आर फॉर्म हेयर यू आर लिफ्ट विद वन क्लोराइड एंड वन हाइपोक्लोराइड सो दिस इज कार्ड सच ए साल्ट इज कार्ल्ड डबल साल्ट क्वेश्चन नंबर वन एटीन दर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ हेलोजन इज इसमें ऑप्शन नंबर वन एटीन में ऑप्शन नंबर सी एज करेक्ट अच्छा क्लोरिन की बॉन्ड एनर्जी ब्रोबिन से ज़्यादा है आयोडीन की सबसे कम है क्वेश्चन नंबर वन नाइन टीन विच आज ब्लू कलर तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ये आपके कोर्स में है सब क्रोमियम प्लस टू स्टेट में ब्लू कलर रहता है प्लस थ्री स्टेट में इसका कलर ग्रीन होता है और वी ओ प्लस टू जो है वी ओ प्लस टू इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू होता है और वी प्लस फोर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर है वेनेडियम का तो वेनेडियम प्लस फोर जो है इसका कलर ब्लू होता है विनेडियम प्लस थ्री स्टेट में जब होता है तो इसका कलर ग्रीन होगा विनेडियम प्लस टू का कलर वायलेट और आपके बुक में लिखा है कि इसका विनेडियम प्लस फाइव का कलर नहीं होता कलरलेस होता है बट इन इक्वे सोल्यूशन विनेडियम जो है प्लस फाइव स्टेट में इसका कलर होता येलो है बस आपने बुक को आप फॉलो करें आपके बुक में लिखा है कि वेनेडियम प्लस फाइव का कलर नहीं होता तो बस नहीं होता अदरवाइज़ वेनेडियम प्लस फाइव का कलर जो है ये येलो होता है अगर आप नेट पर सर्च करें तो आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगोरेशन फ़ोर इज़ टू और थ्री डी थ्री होता है तो इसमें टोटल थ्री और टू में फाइव इसके वेलेंसिल में फाइव इलेक्ट्रॉन होते हैं असल में ये इलेक्ट्रॉन वेलेंसिल में नहीं है लेकिन बॉन्डिंग में ये और ये दोनों हिस्सा ले सकते हैं इस वजह से हम कंसिडर करते हैं कि इसके वेलन शिल में पाँच इलेक्ट्रॉन होते हैं बिकॉज फोर एंड थ्री डी बोथ इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फार्मेशन चूँकि इनके पाँच इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ फिफ्थ ए ग्रुप के साथ मिलती हैं तो इसमें 120 में बी ऑप्शन करेक्ट है और आपको पता है कि वेनेडियम ये जो है ना वेनेडियम ये फिफ्थ बी ग्रुप में है और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है ये फिफ्थ ए ग्रुप में है आप इनके कंपाउंड्स को ज़रा देखें तो नाइट्रोजन बी इन टू ओ फाइव की शिकल में पाया जाता है और विनेडियम जो है ये वी टू ओ फाइव की शक्ल में पाया जाता है तो ये इन इन में देआर फोर दियर इज़ अ क्लोज रिजम्बलेंस मैंगनीज ये सेवन बी में है और क्लोरीन ये भी ये सेवन ए ग्रुप में है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मुश्तरक हैं फॉर एग्जाम्पल इट मेक्स के एम एन ओ फोर एंड क्लोरीन मेक के सी एल ओ फोर यहाँ पर भी एक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है प्लस सेवन है और यहाँ पर भी प्लस सेवन है सो मैगमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एंड मैगनीज कैन रीच अप टू प्लस सेवन एंड बोथ बिलोंग्स टू सेवन ग्रुप क्वेश्चन नंबर 121। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज़ लाइक टू बी कलरलेस तो ये आप याद रखें कि जिस एलिमेंट के आउटर शेल में डी आर में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सो या उसमें डी एलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो कलरलेस होगा कापर प्लस जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगोरे फोर इज जीरो थ्री डी टेन तो जब डी आरबिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा देयर विल बी नो डी डी ट्रांजिशन एंड इट विल बी कलरलेस टाइटेनियम प्लस फोर जो है इसका फोर इज जीरो एंड थ्री डी जीरो सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन द डी आरबेटल स्केंडियम प्लस थ्री फोर इज जीरो एंड थ्री डी जीरो इज नो इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ वीज आर कलरलेस इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है वन ट्वेंटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट डी कलराइज ब्रोमीन सोल्यूशन वन ब्यूटीन प्रोपाइन साइक्लोप्रोपेन तो ये सारे जो हैं दे कैन डी कलराइज ब्रोमीन वाटर बिकॉज साइक्लोप्रोपेन इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल सी एच टू सी एच टू एंड सी एच टू अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करें ना तो ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रेन ड्यू टू एंगल स्ट्रेन

करेक्ट आर्डर ऑफ डिफरेंट आईसुमर्स दिलिटी आर्डर ऑफ डिफरेंट आई सुमर ब्यूटीन है दिस इज नुक एट दिस इज सॉरी वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी थ्री तो बॉयलिंग पॉइंट जो है ये ब्रांचिंग की वजह से बॉयलिंग पॉइंट में कमी आ जाती है इस वजह से नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और नियो पेंटेन का सबसे कम होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 124 ट्वेंटी ब्यूटीन के चार आईस उमर हैं एक है वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन तो वन और टू में टू ब्यूटीन इज स्टेबल टू ब्यूटीन के दो आईस उमर हैं सिस और ट्रांस ट्रांस इज़ मोस्ट स्टेबल और आइसो जिसको हम टू मिथाइल प्रोटीन भी कह सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 124 में ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है 125 ट्वेंटी फोर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है कार्बेनाइन वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बोनियम आयन जो है उसमें स्टेबिलिटी टर्शरी की ज़्यादा होती है और प्राइमरी की सबसे कम होती है लेकिन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का आर्डर फिर रिवर्स हो जाता है 126। ट्वेंटी सिक्स द मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन विल बी फॉर्म बाई विच वन वन तो इसमें जो एसिड क्लोराइड होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एसिड क्लोराइड अगर हम इसकी इक्वे सोल्यूशन बनाएं सो इट कन वर्ड्स इन टू एच सी एल एंड इट कन्वर्स इन टू एसिडिक एसिड चूंकि आपको पता है कि इट्स एल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड तो इस वजह से एसिड क्लोराइड जो होते हैं इनका सल्यूशन uh, जो है वह स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा वन ट्वेंटी सिक्स में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन ट्वेंटी सेवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एग्जिस्ट करता है किस में एग्जिस्ट करता है आप देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर यहाँ पर देयर इज नो हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता एसिड एमाइड को अगर आप देखें तो यहाँ पर द हाइड्रोजन विच आर बाउंड टू नाइट्रोजन दे कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टर जो हैं दे कैन नाट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड एसिड एंड हाइड्राइड ऑल्सो डू नाट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड एमोंग द एसिड डिरावेटि ओनली दाइड्स आर केपेबल ऑफ फार्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बागजिलिक एसिड खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज दे पोजिस ओ एच ग्रुप तो ऑप्शन नंबर बी वन ट्वेंटी सेवन जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन ट्वेंटी एट द करेक्ट आर्डर ऑफ एसिडिटी एमांग द फॉलविंग तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है आ, पेरा नाइट्रोफिन जो है वो आर्तो से ज़्यादा एसिडिक होता है उसकी वजह ये है कि आर्तो नाइट्रोफिन में यहाँ पर जो एन ओ टू ग्रुप होता है और यहाँ पर ओ एच तो इसका एच और नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन जो है दे मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इसको कहते हैं इस वजह से ये हाइड्रोजन आसानी से आयनाइज नहीं होगा और पैरा में इस तरह नहीं होता पैरा के एन ओ टू और ओ OH एच में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होने की वजह से ये आसानी से आयनाइज हो सकता है सो पेरा आइसोमर इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू द तो और आर्थो इज़ मोर देन मीठा उसकी वजह यह है कि मिटा जो नाइट्रोफिन होता है तो आ, उसके जो रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दे आर लेस दे देर नंबर इज लेस तो वो कंपाउंड जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा पॉसिबल होंगे तो देट विल बी मोर एसिडिक द कॉन्जुगेट बेस ऑफ आर्थो नाइट्रोफिन इज स्टेबिलाईज बाई इट्स लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिर है वट इज़ द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट आर्डर ऑफ द आइसमर ऑफ नाइट्रोफिन इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन uh, नंबर पेरा और फिर मेटा और फिर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है वन नाइनटीन में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्यों उसकी वजह यह है कि आर्थो नाइट्रो फिनोल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में इंगेज हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस वजह से इनमें इंट्रा इंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है लेकिन इन मालिक्यूलों में इंट्रा मालिकुलर इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है जू जूँ ये इन ओ टू ओ एच से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो फिर इंट्रा इंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस कम होंगे और ये दूसरे मालिक्यूल के साथ इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर बना सकेगा आप अगर पेराइट्रोफिन को देखें तो यहाँ पर इंट्रा इंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं देट्स वाई दालिक्यूल ऑफ पेरानाइट्रोफिनोल दे आर एनगेज इन इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑफ इंट्रा इंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग

single bond and you get an alcohol cyclic alcohol so this is called cyclohexanol in question number 130 option number c is therefore correct question number <coughs> question number in order to question number 131 in order to चेंज अल्काइन टू अल्कीन विच कैटलिस्ट इज़ यूज तो दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट अगर आप अलकाइन लेते हैं और आप इसके साथ हाइड्रोजन मिलाते हैं इन द प्रजेंस ऑफ निकल तो पहले स्टेप में ये अल्कन में कन्वर्ट होगा और दूसरे स्टेप में फिर ये अल्केकैन में कन्वर्ट होगा तो अल्किन स्टेज पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा इस वजह से हम अगर अल्काइन के साथ हम पेलीडियम और बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन इनको अगर आप ले लें बतौर कैटलिस्ट तो क्विनोलिन जो है ये इस कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करता है इस वजह से हाइड्रोजन इसटाइलिन के साथ मिलकर अल्कीन तो बना लेगा लेकिन फ़र्दर हाइड्रोजनेशन इसकी नहीं होगी सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एन अलकाइन टू अल्कन एंड नट टू अल्कैन

नाइट्रोबेंजीन बनेगा लेकिन अगर आप इसे ट्राई नाइट्रो बेंजीन बनाना चाहते हैं तो फिर इस मकसद के लिए आपने इसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड डालना होगा एंड व्हाट इज़ मेंट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग एन टू गैस जब आप नाइट्रिक एसिड में एनओ टू गैस को डिसॉल्व करें तो इट इज़ कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इस वजह से कहते हैं कि अगर आप इसके बोतल का डकन उतारें तो इससे एनओ टू गैस निकलनी शुरू हो जाती है एंड इट गिव्स फ्यूम्स ऑफ एन ओ टू नाइट्रिक एसिड अगर प्योर हो ये अगर प्योर हो तो इट इज़ कलरलेस लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड में एनओ टू गैस डिजॉल्व हो तो इसका रेड ब्राउन कलर होगा सो समटाइम यू आर आस ड्यू टू विच द कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज रेड ब्राउन सो दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द ओ टू गैस आप अगर प्योर नाइट्रिक एसिड ले लें ये कलर इस होता है आप अगर इसको शीशे के बोतल में रखें तो सनलाइट जब इस पर गिरता है

एंड द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये आयोडीन सोडियम के साथ मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाएगा और मिथाइल मिथाइल आपस में मिलकर दे मेक इथेन अगर आ इसको वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं वर्ड सेंथेसिस ड्राई ईथर ये फेडरल के बुक में है और पिशावर बोर्ड के बुक में ये नहीं है लेकिन ये चीज़ें अक्सर पेपर में आ जाती हैं तो इस वजह से ये दो तो चार रिएक्शन जो हैं इसको आपने याद करना होगा दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई सॉल्वेंट। अगर आपके पास इथाइल आयोडाइड हो और आप इसके साथ सोडियम मिलाते हैं तो फिर क्या बनेगा इससे यू विल गेट सोडियम आयोडाइड एंड इथाइल एंड इथाइल मेक ब्यूटेन इससे बनेगा लेकिन अगर आपके साथ दो डिफरेंट अल्काइल हेलाइड हों फॉर एग्जाम्पल यू हैव मिथाइल आयोडाइड एंड यू हैव इथाइल आयोडाइड तो फिर यहाँ पर देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ क्यों वो इस वजह से कि यू हैव एन नंबर ऑफ मिथाइल आयोडाइड यू हैव नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड यू हैव n molecules of ethyl iodide so there are three chances either methyl will make a bond with another methyl or ethyl makes a bond with another ethyl or methyl and ethyl will make bond among themselves so you will get ethane you will get butane and you will get propane. Here the question is मिक्सचर ऑफ यथाइल ब्रोमाइड एंड मीथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सो डेस आर डेश आर फॉर्म तो ऑप्शन में लेकर वन कॉर्बन अल्केन टू कार्बन अल्केन थ्री कार्बन यहाँ पर यह कार्बन कार्बन नहीं है यहाँ पर मैंने ये पूछा है कि एक अल्केन बनेगा कि टू अल्केकैन बनेंगे या थ्री अल्के्के्के्के्केन बनेंगे तो अगर आप सिंपल एक अल्काल हेलाइट है लेते हैं Then you get only one alkane. But you, if combine two different alkyl halides, so then you will get three different types of alkanes. So methyl and ethyl iodide make three different type of alkane. That is propane, ethane, and butane. <coughs> Williamson synthesis. 134. ये ईतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इसमें हम पहले अल्कोहल के साथ सोडियम रिएक्ट करते हैं तो इससे सोडियम ईतक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस अब ये जो इतकसाइड आयन है तो इट इज़ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ हम अल्काइल हेलाइट मिलाते हैं नाउ दिस कार्बन इज पार्शल पॉजिटिव रिचार्ज तो ऑक्सीजन कार्बन पर अटैक करेगा और ब्रोमिन इससे निकल जाएगा सो यू गेट इथर इन दिस प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड विलियमसन सेंथेसिस वन थर्टी फाइव अलकाइल हेलाइट अंडर गो विच रिएक्शन वेन ट्रीटेड विद एक्वियस क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फाइव दिस इज इथाइल ब्रोमाइड मैं इसके साथ इक्वीस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मिलाता हूँ तो यहाँ पर यह होगा कि कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और ओ OH पर नेगेटिव तो ये ओ न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करेगा और ब्रोमीन इससे निकल जाएगा सो यू विल गेट अल्कोहल एंड ब्रोमाइड दिस इज लीविंग ग्रुप सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एन एग्ज़ाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिस रिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये अक्सर पर्चे में पूछा जाता है अगर आप अल्काइल है के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सोल्यूशन मिलाते हैं तो फिर इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फिर इलिमिनेशन रिएक्शन होगी एंड यू गेट एन अल्किन अगर आप इक्वे सोल्यूशन मिलाते हैं तो फिर यहाँ पर अल्कोहल बनेगा इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक्स सब्सिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज कार्ड एलिमिनेशन रिएक्शन सो दियर इज़ ए कॉम्पिटिशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्सिट्यूशन रिएक्शन नाव साइड बाई साइड दोनों रिएक्शन हो रहे होते हैं अगर आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू कीप द टेम्परेचर हाई अगर आपने ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है अल्कोहल तो आपने टेम्परेचर को कम रखना होगा अगर आपने एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाना है सो यू हैव टू यूज़ अ वेरी स्ट्रोंगर बेस अगर आपने अल्कोहल बनाना है तो आपने कंपेरेटिवली वीकर बेस को इस्तेमाल करना होगा सो दियर इज़ ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द एलिमिनेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सफिट्यूशन रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 136 आपके बॉडी का ड्राई बॉडी का वेट जो है उसमें फिफ्टी परसेंट प्रोटीन होते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है एलिमेंट विद मैक्सिमम बॉयलिंग पॉइंट तो इसमें सिलिकॉन है सिलिकॉन का मिल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वन थर्टी सेवन एंड वाई द मिल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन इज हाई बिकॉज ईच सिलिकॉन मेक्स फोर कोवेल बॉन्ड एंड इट मेक्स अ जॉइंट स्ट्रक्चर इसके आउटर शेल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इट मेक्स मैने इट मेक्स मैने बॉन्ड्स एलुमीनियम तीन बॉन्ड बना सकता है, मैग्नीशियम दो बॉन्ड बना सकता है और फास्फोरस जो है ये क्योंकि मालिकुलर सॉलिड है तो इसमें लंडन फोर्सेस होती हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनिकली अनस्टेबल प्राइमरी अल्काइल सेकेंडरी और टर्सरी थर्मली थर्मोडाइनिकली अन स्टेबल सो माई आंसर इज ऑल आर स्टेबल बिकॉज अगर ये स्टेबल इनमें से कोई भी एक अगर स्टेबल नहीं है तो फिर वाई वी टाक अबाउट दर्शरी अबाउट द सेकंडल ऑल आर स्टेबल एवरी वन इज स्टेबल अलबतः अगर आप ये कहें कि विच वन इज मोर स्टेबल विच अलकाइट इज मोर स्टेबल मोर और लेस स्टेबल की आप बात कर सकते हैं लेकिन इस तरह कहना कि विच इज़ अनस्टेबल सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑल ऑफ देम आर स्टेबल एंड यू शुड नो दैट अ कार्बन टर्शरी कार्बन जो है इट मेक्स मोर स्टेबल बॉन्ड टर्शरी कार्बन इज मोर स्टेबल तो जो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा देट विल मेक अ वेरी स्ट्रॉगर वन हेलोजन। इस वजह से टर्शरी स्पीकिंग टर्शरी आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल दस्ट फ्रिक्शन अपटेन फ्राम पेट्रोलियम डिस्टिलेशन इज सबसे लाइटर फ्रिक्शन जो है वो रिफाइनरी गैस होता है उसके बाद पेट्रोल पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन है फिर डीजल और उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल और आखिर में जो सॉलिड रिजिड्यू रह जाती है जिसको सड़कों के ऊपर हम डालते हैं तो उसको बिचुमेन कहते हैं इट इज़ रिटन एज बिटुमेन बट वी प्रोनाउंस इट एज बिचुमेन। क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नाट गो अलोल कंडेंसेशन ये फेडरल के बुक में है अल्डोल कंडेंसेशन है एक और दूसरा केनेजारो रिएक्शन है इसको आप याद रखें वन इज़ अल्डोल कंडेंसेशन ये वो अल्डिहाइड वो अल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो आ वन हाइड्रोजन और टू हाइड्रोजन और थ्री हाइड्रोजन लेकिन for an aldehyde to undergo aldol condensation reaction there must be hydrogen atom or atoms on the alpha carbon to so, ye yeah, aldol condensation kar sakta hai chunanchi acetaldehyde aldol condensation kar sakta hai Ketone जो हैं वो भी aldol condensation कर सकते हैं बिकॉज दे है वो अल्फा हाइड्रोजन और आप अगर प्रोपेनाल देखें प्रोपियान डिहाइड तो इसके साथ भी अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है सो इट विल आल्सो फॉर्म अल्डोल अल्डोल किसे कहते हैं कि जब हम अल्डीहाइड के दो मालिक्यूल आपस में मिलाते हैं ये जो सी एच ये ये मालिक्यूल है मैं इसको एसिटल डिहाइड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ सी एच थ्री की बजाय मैं इस तरह लिख सकता हूँ सी एच टू और एच एंड हीर वी हैव एन अदर एसीटल डिहाइड मैं इसको इस तरह लिखूँगा आई कैन राइट इट इन दिस वे दिस इज़ आल्सो एसीटल डिहाइड ये दो मालिक्यूल हैं और ये बेस केटलाइज्ड रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं सो दियर इज़ वेरी सिंपल थिंग ये जो हाइड्रोजन है ना ये इधर शिफ्ट होगा इधर से बांड टूट जाएगा यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये बांड यहां से टूट जाएगा तो कार्बन जो है ये इसके साथ बांड बना देता है सो यू गेट ए कंपाउंड लाइक दिस अब अगर आप इस कंपाउंड में देखें यू हैव अल्डिहाइड्रिक फंक्शनल ग्रुप एंड यू हैव अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप तो इस ऐसे कंपाउंड को हम अल्डोल कहते हैं तो जिन जिन मालिक्यूलों में अल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं और अगर आप डिहाइड देखें तो इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन नहीं कहते हैं इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है सो इट हैज़ नो अल्फ़ा कार्बन इस वजह से फार्मल डिहाइड के मालिक्यूल आपस में मिलकर अल्डोल नहीं बना सकते हैं बेंजल डिहाइड के मालिक्यूल आपस में मिलकर अल्डोल नहीं बना सकते हैं दे डू नॉट अगर हम ले लें तो फिर क्या होता है कि बेस की मौजूदगी में आ, इनके जो मालिक्यूल होते हैं सो दो मालिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एक अल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है और दूसरे मालिक्यूल से कार्बोआक्टिक एसिड बन जाता है दैट इज वन मालिक्यूल इज रिड्यूस एंड द अदर वन इज ऑक्सीडाइज्ड सच ए रिएक्शन इज कार्ड कैन reaction. अच्छा ये कैन अल्डिहाइड में होता है बेन्डिहाइड में या फॉर्मल में विच डू नाट पोजिस अल्फा हाइड्रोजन What happens when such molecules combine? So, one is oxidized, the other one is reduced. Such a reaction is known as Kenazaro reaction. This reaction is also called self-oxidation reduction reaction. It is a self oxidation reduction reaction. In a, no other oxidizing agent is यूज इन दिस प्रोसेस बट द सेम मालिक्यूल एक्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सेम मालिक्यूल एक्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इसको डिसोपोरशनेशन डिसप्रोपोरशनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है और ये इनआरगेनिक कंपाउंड में भी होता है अगर आप क्यूप्रस आयोडाइड को पानी में डालें तो दिस विल कन्वर्ट एंड टू कापर

लेकिन अगर दो मुख्तलिफ मालिक्यूल uh, आपस में मिल जाएं और वो अल्डोल बनाएँ तो फिर इसको क्रास कंडेंसेशन भी कहते हैं क्रास कंडेंसेशन और देन इट इज मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन एंड सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन टू आइडेंटिकल मालिक्यूल कंबाइन एंड मेक एन अल्डोल इन मिक्सड और क्रास्ड अल्डोल कंडन You have two different type of aldehyde molecules and they make a aldol। इस तरह के नज़ारो रिएक्शन में भी मिक्स के नज़ारो रिएक्शन भी होता है और इसमें सिंपल के नज़ारो रिएक्शन भी होता है आप अगर बेन्जल डिहाइड ले लें इट हैज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन और मैं इसके साथ फार्मल डिहाइड लेता हूँ विच आल्सो डज नाट अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा देयर विल बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके साथ दो अल्डिहाइड हों एक छोटा मालिक्यूल हो और एक बड़ा मालिक्यूल हो तो जो बड़ा मालिक्यूल होगा वो रिड्यूस होगा दिस इज इम्पॉर्टेंट ऐसे बनेगा बिन्ल अल्कोहल और जो स्मॉलर मालिक्यूल होगा सो देट विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल मेक अ फार्मिक एसिड फाइनली ये फार्मिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर साल्ट बना देता है सोडियम फार्मेट बनाएगा सो यू शुड कीप इन माइंड दैट इफ यू हैव अ क्रासन इजारो रिएक्शन एंड इफ यू हैव टू मालिक्यूल वन इज ऑफ स्मॉलर साइज एंड द अदर वन इज ऑफ लार्जर साइज So the larger molecule undergo reduction, and the smaller molecule will undergo oxidation. Here you seen that formaldehyde oxidizes into formic acid, and uh, benzaldehyde, which is a bigger aldehyde, so it will undergo reduction, and it converts into benzyl alcohol. Thank you very much.